हेलो गाइस, मैं सब डॉक्टर किरण चोटलिया। आज हम एक स्किन के डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस एक बहुत ही कॉमन टाइप की स्किन एलर्जी है, जिसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे रैशेज आते हैं ब्लू और ब्लैक कलर के, और उसके साथ काफ़ी सारे पेशेंट हमें स्किन स्पेशलिस्ट को मिलने रेगुलरली आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, लाइकन प्लैनस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें ऑटो इम्यून स्किन डिजीज एक करके स्किन में प्रॉब्लम चालू होता है। ऑटो इम्यून बोले तो जो अपनी स्किन की या बॉडी की इम्यूनिटी है, जो अपने ब्लड के सेल्स है जिससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, उनमें एक मैक्रोफेज नाम के सेल्स रहते हैं। ये मैक्रोफेज नाम के इम्यूनिटी के सेल्स ब्लड से स्किन के कुछ सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी के सेल्स अपनी स्किन सेल को डैमेज करते हैं। ये कौन से सेल्स को डैमेज करते हैं? तो स्किन में खास करके जो पिगमेंट बनाने वाले सेल है, जिनको मेलानिन बनाने वाले सेल मेलानोसाइट बोलते हैं, उन पर मेन अटैक करते हैं और उनके सराउंडिंग बाकी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही वो उनको अटैक करते हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन आने लगता है, वहाँ पे आपको इचिंग होने लगती है, वहाँ पे स्किन में कलर चेंजेस आने लगते हैं। पहले तो रेड कलर के छोटे छोटे बम्स बनने लगते हैं, उसके बाद वो रेड कलर के बम्स पर्पल कलर में, डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्किन कभी हार्ड हो जाती है, कभी फ्लैट हो जाती है, कभी वहाँ पे अल्सर यानी कि स्किन इरोजन जैसे आ जाते हैं, और लास्टली उसमें काला कलर का दाग वो छूट जाता है। ये जो बीमारी है सिर्फ स्किन को अफेक्ट नहीं करती, कई बार हमारे ओरल कैविटी, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में जो मुंह के अंदर की स्किन है उसमें भी वो डैमेज करती है। कई बार ये बीमारी बालों को भी अफेक्ट करती है, बालों को, जड़ों को भी नष्ट कर देती है। एंड रेयरली देखा गया है कि ये नेल्स में भी होता है, नेल में भी चेंजेस ला लेता है। तो लाइकन प्लैनस की बीमारी आपकी स्किन को, हेयर को, नेल को, आपकी ओरल कैविटी, प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी स्किन को अफेक्ट कर सकती है। ये होता कैसे है? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, लोग हमें पूछते हैं जब भी कोई पेशेंट आता है कि सर ये मेरे को क्यों हुआ, करा इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, लाइकन प्लैनस का एग्जैक्ट रीजन अभी तक दुनिया में मेडिकल साइंस में पता नहीं है, पर कुछ थियोरीज है उसके हिसाब से इम्यूनिटी के कुछ सेल से डैमेज होता है। और ये इम्यूनिटी जो ट्रिगर होती है, या तो आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी या कोरोना, ऐसे कोई सर्दी खांसी जैसे इन्फेक्शन हो गए, उनसे हो सकता है। कई बार अगर आपकी बॉडी में कोई आपने टैबलेट्स ली जैसे कि पेन किलर या कोई अलग टाइप की दवाई है जिसका हाई डोज है, तो उसकी वजह से भी ये स्टार्ट हो सकता है। तो बॉडी में वायरस या कोई ड्रग्स आने से हो सकता है। रेयरली ये भी देखा गया है कि कर कोई बार डेंटल ट्रीटमेंट जैसे कि मेटल के स्क्रू या ऐसा कुछ लगाया है, आपका कोई फ्रैक्चर या ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ और उसमें आपको मेटल प्लेट्स और वो बिठाई है, तो बॉडी में मेटल फिलिंग किया हो, तो उसकी वजह से भी ये होता है। कभी कभी टैटू बनाने से या सनलाइट से भी ये देखा गया है कि ये ट्रिगर होता है। तो लाइकन प्लैनस के बहुत सारे ट्रिगर है जो मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी एक ट्रिगर से स्टार्ट होता है और फिर बॉडी अपने आप ही इम्यूनिटी बढ़ाती जाती है और उसको रिक्रिएट करती जाती है। दूसरा चीज है दोस्तों, इसके साइन एंड सिम्टम कैसे दिखते हैं, ये कहाँ पे और कौन कौन से एरिया में दिखा जाता है, आपको लाइकन प्लैनस हो रहा है कि नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो दोस्तों, लाइकन प्लैनस में बॉडी में कोई एक दो पार्ट में एक दो छोटे निशान भी आ सकते हैं, जो रेड कलर के या पर्पल कलर के बम्प्स जैसा हो सकते हैं, या तो कई बार पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड हो सकता है। मोस्टली जो मैंने पेशेंट देखे या इंडिया में पेशेंट आते हैं, मोस्टली हैंड के ये वाले पोर्शन में, लोअर लेग्स में और अपर बैक में, यहाँ सबसे ज्यादा कॉमनली लाइकन प्लैनस लोगों को होता है। इसके अलावा काफी लोगों को मुंह के अंदर में भी लाइकन प्लैनस होता है, जिनको तीखा खाने में दिक्कत आती है, पानी पीने तक में भी दिक्कत आती है, तो ये वाले प्रॉब्लम्स भी कभी कभी हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी इंटेंस इचिंग होती है। दूसरा कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट को सिर्फ रैशेस नहीं आएगी, उसमें गंदी इचिंग होगी और जहां जहां वो पेशेंट स्क्रैच करेगा वो आगे आगे फैलता जाएगा, तो ये दूसरा कॉमन सिम्टम। रेयरली लाइकन प्लैनस में कोई कोई पेशेंट को पेन भी होता है, दर्द भी होता है, और पिगमेंटेशन होना बहुत कॉमन है। जब भी लाइकन प्लैनस इवन कंट्रोल में भी आ गया या वहाँ पे वो डैमेज होकर रिपेयर भी हो गया, तो उसके बाद जो काले दाग बन जाते हैं वो कभी कभी महीनों तक या सालों तक रहते हैं, उनको रिजोल्व होने में बहुत टाइम लगता है। और एक चीज है दोस्तों, लाइकन प्लैनस अगर आप ट्रीटमेंट लिए या अपने आप भी कम हो जाता है तो वापिस भी आ सकता है। मेजोरिटी लोगों को जो लाइकन प्लैनस स्टार्ट होता है वो 3-4 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, तब जाके थोड़ा कंट्रोल में आता है। कभी कभी वापस वायरल इन्फेक्शन या बॉडी में ऐसे ट्रिगर आ गए तो वो वापस रिक्रिएट हो जाता है, बॉडी में कम या ज्यादा लेवल पे वापस आ सकता है। वैसे तो लाइकन प्लैनस सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है, मीन्स 5-6 साल या 10 साल की एज के बाद आपकी बॉडी में अगर लाइकन प्लैनस चालू हुआ तो अपने आप रुक जाएगा, बॉडी खुद ही उसको हैंडल कर लेगी,
पर ये 5-10 साल में आपको ध्यान रखना है, कुछ बेसिक केयर लेनी है ताकि ये बार बार वापस ना आए। दूसरा एक पॉइंट भी है, अगर आपको लाइकन प्लैनस हो गया है बराबर और आपकी बॉडी में उसके निशान या चेंजेस दिख रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि आगे जाके आप उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, जब भी कोई लाइकन प्लैनस का पेशेंट हमारे पास आता है तो मोस्टली हम क्लिनिकली उसकी हिस्ट्री लेते हैं, कब से हो रहा है, क्या है, उसका एक माइक्रोस्कोपी टेस्ट करते हैं, डर्मोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट उसे चेक करते हैं, तो उसके एनाटॉमी, उसके फीचर्स देख के हम पता कर लेते हैं कि इसको पेशेंट को लाइकन प्लैनस, और डायरेक्टली हम क्लिनिकल जजमेंट से ट्रीटमेंट देते हैं। कई बार हमें अगर ज़्यादा है या फिर पेशेंट को ऐसे हैवी डोज दवाइयाँ देनी पड़ेगी उसको कंट्रोल करने के लिए, तो हमें एक स्किन बायोप्सी नाम का टेस्ट भी करते हैं, जिसमें पेशेंट का स्किन का एक सैंपल जहाँ पे नया लीजन आया उनमें से कलेक्ट करते हैं, लैब में भेजते हैं और उसमें से रिपोर्ट मिलता है। तो ये दो टेस्ट है, एक तो क्लिनिक में खुद पेशेंट डॉक्टर चेक करेगा और एक दूसरा लैब में आपका स्किन का सैंपल भेजेगा। तीसरा, लाइकन प्लेनस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ऑटोइम्यून डिजीज में कई बार ऐसा भी होता है कि ये स्किन का ऑटोइम्यून डिजीज के साथ थायराइड का ऑटोइम्यून डिजीज है या दूसरे बॉडी में और कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, तो वो भी चेक करने रहते हैं। तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी आपको बोले जाते हैं, वो करना रहता है। इससे आपका लाइकन प्लेनस का ब्लड में क्या रिएक्शन आया है, ब्लड में आईजी लेवल से, इओसिनोफिल लेवल से, सीबीसी लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हम सारे टेस्ट करवाते हैं। तो वो सारा भी टेस्ट करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम लाइकन प्लेनस को कितना लेवल पे हैंडल कर पाए। लाइकन प्लेनस को ठीक करना क्यों जरूरी है बनाना, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, ये सीरियस क्वेश्चन है। अगर आप ठीक नहीं करोगे तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमने देखा है या पेशेंट ने जो हमने नोटिस किया है, एक तो लॉन्ग टर्म पिगमेंटेशन, इनके ऐसे पेशेंट के काले दाग बन जाते हैं, वो दवाइयों और ट्रीटमेंट से जाते नहीं, उनके लिए लेजर ट्रीटमेंट तक की जरूरत पड़ती है। दूसरा कॉमन है कि उसमें पेशेंट को मुंह में छाले वाले आने लगे, ओरल कैविटी में या प्राइवेट पार्ट्स में होने लगे, तो वो हीलिंग होगा तो स्कारिंग के साथ हीलिंग होगा, आगे जाके उसका चेंज ही हो जाएगा लुक। अगर बालों की जड़ों में वो लाइकन प्लैनस उसको नष्ट कर दिया तो स्कारिंग एलोपेशिया में बाल परमानेंटली लॉस हो जाएंगे, वहां पर टक्कल हो जाएंगे, पैचेस हो जाएंगे, पेशेंट की पर्सनालिटी उससे डेफिनेटली अफेक्ट होगी। कई बार ये मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन भी लाता है, काफी पेशेंट को लाइकन प्लैनस में इतनी इचिंग होती है, रात को सो नहीं पाते, नींद नहीं हो रही की वजह से उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है, उनको एंजाइटी और वो सारी चीजें होने लगती है। तो वो भी जरूरी है कि ये लाइकन प्लैनस को टाइमली और अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाए। तो दोस्तों, दूसरा है कि इसमें ट्रीटमेंट पार्ट क्या कर सकते हो, तो इसमें आप ट्रीटमेंट पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला ट्रीटमेंट पार्ट तो ये है कि आपको डॉक्टर को जाके मिलना है और वो आपको कुछ क्रीम्स एंड टैबलेट्स लिख के देंगे। मेयूटी टैबलेट्स जो लिख के दी जाती है वो इचिंग मींस खुजली कंट्रोल करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक नाम की टैबलेट्स दी जाती है, लिवोसेट्रिजिन और हाइड्रोक्सीजन ऐसे नाम से टैबलेट्स मिलती है। दूसरा, आपको टॉपिकल स्टीरॉयड कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम की क्रीम दी जाती है, जिससे उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जिससे डेफिनेटली बहुत रैपिड रिलीफ मिलती है, जो भी स्किन के पैचेस वो जल्दी रिजोल्व होने चालू हो जाते हैं, जिससे आपको कंट्रोल आता है। जो पेशेंट को फेस पे या बॉडी के ऐसे पार्ट में जहाँ स्टीरॉयड देना एक्चुअली अच्छा नहीं है, उससे साइड इफेक्ट आ सकते हैं, वहाँ टैक्रोनिमस जैसे कुछ दूसरे क्रीम से उनका उपयोग किया जाता है। जिन जिन पेशेंट में लाइकन प्लैनस बहुत ज़्यादा बॉडी में सीवियर होता है, बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत उसको पेशेंट को डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनमें हम ओरल टैबलेट्स ज़्यादा देते हैं, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनो सप्रेशन या इम्यूनो मॉड्यूलेटर नाम की दवाइयाँ देते हैं, जिसमें साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रीन, मिथोट्रेक्सेट ऐसे ऐसे इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, वो ड्रग्स का भी यूज किया जाता है। दूसरा दोस्तों, जिनको सनलाइट से एलर्जी, इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवाइयाँ भी दी जाती है, एक रेटिनॉइड नाम की टैबलेट से ये भी प्रीफर करते हैं अगर आपका काले दाग जल्दी जा नहीं रहे हैं। तो ये सारे हो गए जो टैबलेट्स एंड क्रीम्स है और उनके रिलेटेड ट्रीटमेंट है। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट को जिनका पिगमेंटेशन जल्दी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइकन प्लैनस का पिगमेंटेशन सालों ले लेता है, तो उसमें लेजर टोनिंग करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्यूस्विच नाम का एक लेजर से। उसके कुछ सेशन लेने से वो टैटू जैसे ही हम रिड्यूस करते हैं, वैसे ये भी कम किया जा सकता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लाइकन प्लैनस होता आपको क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे आप उसका कंट्रोल कर सके, उसको आगे बढ़ने से रोक सके। तो सबसे पहला है दोस्तों, आपको घर पे बेसिक ये केयर लेनी है कि जो भी लाइकन प्लैनस वाला एरिया है वहाँ पे आपको एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर या कोकोनट ऑयल या ऐसे
मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, वो स्किन को डैमेज या ड्राई नहीं होने देना चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको सनलाइट से बचना है। सनलाइट से लाइकन प्लेनस का पिगमेंटेशन और डार्क हो जाता है, वो और ट्रिगर होता रहता है, तो वो ध्यान देना है। तीसरा, आपकी स्किन जो ड्राई करता है, जैसे हॉट वाटर है, आपका हार्ड सोप है, हार्ड वाटर है, आप टावल से बहुत रब कर रहे होते, ये सारी चीज़ों से स्किन में ड्राइनेस प्रमोट होती है। सिंथेटिक क्लोथ्स लाइक पॉलिएस्टर और ऐसे कपड़े पहनोगे तो भी ज़्यादा ड्राई होने लगेगा स्किन, तो इनसे भी दूर रहना है। हो सके इतना कॉटन प्रीफर करना है और लाइट सोप या पानी से ही नहाना चाहिए। अगर ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो ही कम पावर या माइल्ड सोप से आप बाथ ले सकते हो। स्टीरॉयड और दवाइयों की क्रीम और टैबलेट्स आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, इसमें डॉक्टर का टाइमली फॉलोअप लेके उनसे सलाह के अनुसार ही यूज़ करना है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। अगर माउथ में हो रहा है तो आपको तीखा खाने से परहेज करना है, आपको सेमी लिक्विड या लिक्विड क्वालिटी का फूड खाना चाहिए, उससे भी आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें थी जो लाइकन प्लेनस से आपको बचाने में, उसको कंट्रोल करने में, रिलीफ लेने में हेल्प मिलेगी। अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया है इसमें, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिखें, हम ट्राई करेंगे उसका आंसर करने को। फिलहाल के लिए वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और बीमारी को लेके पूरा डिस्कशन करने के लिए। धन्यवाद।